मॉन्स्टर वर्स का गॉडजिला तथा स्किबिडी यूनिवर्स का टाइटन टीवी मैन, ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो जाने जाते हैं अपनी ताकत, बहादुरी और हमेशा गिरकर उठने के लिए। एक और जहां गॉडजिला भी अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए खुद पर ये म्यूटेशन लाता रहता है, वहीं टाइटन टीवी मैन भी खुद की कमजोरियों को मिटाने के लिए ये अपग्रेड होकर और भी शक्तिशाली बनता जाता है। हालांकि दोनों ही टाइटन्स अलग अलग यूनिवर्सेस के क्यों ना हो, लेकिन इसमें बदलाव हमेशा जारी रहा है और इसी बदलाव ने इन्हें हर दुश्मनों से इसे जीत दिलाई है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों टाइटन्स आपस में ही उलझ पड़े? क्या मॉन्स्टर वर्स का किंग गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ के हमलों से खुद को बचा पाएगा टाइटन टीवी मैन, या टीवी मैन के हमलों से गॉडजिला गॉड को प्यारा हो जाएगा? वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करें टाइटन टीवी मैन की, तो टीवी मैन अपने शुरुआती समय में एक सामान्य सा इंसान था, जब तक कि एक घटना ने इसे एक टाइटन का रूप न दे दिया। ये कहानी है मैंडिस शहर की, जहां एक घर में जॉन और उसके परिवार रहा करते थे। लेकिन एक दिन किस्मत ने जॉन के साथ एक मजाक कर दिया। कैमरामैन से हारा हुआ एक स्किबिडी टॉयलेट जॉन के घर पर आ गिरा और जॉन के अलावा बाकी सभी परिवार के सदस्य की इस दुर्घटना में मौत हो गई। जॉन अपने टूटे घर के बाहर बैठा रहा और पूरे शहर को तबाह होते हुए देखता रहा। उसका पूरा घर स्किबिडी टॉयलेट के हरे रेडियो एक्टिव खून से पूरी तरह से लथपथ हो चुका था। लेकिन तभी जॉन के घर के पड़े एक टीवी से एक आवाज आती है। दरअसल उस हरे रेडियो एक्टिव खून की वजह से टीवी की सर्किट बोर्ड पर एक नर्वस सिस्टम की परत चढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से ये टीवी अब कॉन्शियस हो चुका था। इसमें सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आ चुकी थी, लेकिन बिना किसी शरीर के ये कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी वजह ने टीवी ने जॉन के साथ एक डील करी कि वो सभी स्किबिडी टॉयलेट को मारकर जॉन के परिवार की मौत का बदला लेगा, लेकिन बदले में जॉन को शरीर टीवी के हवाले करना होगा। जॉन के पास कोई चारा नहीं था, तो जॉन और टीवी साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट में काम करना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते एक्सपेरिमेंट की आखिरी घड़ी सामने होती है, जिसे जॉन बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेता है और जॉन का शरीर तथा टीवी के फ्यूजन से टीवी मैन का जन्म होता है। अब अगर बात करें लेजेंडरी गॉडजिला की, तो इसे कई नामों जैसे कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर, गोजीरा, अल्फा प्रेडेटर, बिग गाय तथा अल्टीमेट टाइटन जैसे नामों से जाना जाता है। इस गॉडजिला की पहली झलक हमें साल 2014 में आई अमेरिकन मूवी गॉडजिला में देखने को मिली। उसके बाद हमें ये मॉन्स्टर साल 2017 में आई मूवी कॉन्ग स्कॉल आइलैंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला, फिर साल 2019 में आई गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में, साल 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग तथा साल 2024 में आने वाली मूवी गॉडजिला एस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में देखने को मिलेगी। गॉडजिला नाम की व्युत्पत्ति जापानी शब्द गोजिरा से हुई है, जिसका अर्थ होता है गोरिल्ला तथा व्हेल। लेजेंडरी गॉडजिला पानी तथा जमीन दोनों में ही रह सकता है और दोनों ही जगहों में इसकी डोमिनेंस होती है। साथ ही अपने फायर स्टेट में इसमें दोगुनी शक्तियां आ जाती है और तब ये और भी खूंखार बन जाता है। गॉडजिला के उत्पत्ति को लेकर ऐसा माना जाता है कि ये परमियन पीरियड यानी 25 करोड़ साल पुराना जीव था, लेकिन जब ट्रायसिक काल की शुरुआत होती है तब धरती का तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है और कई जीव ठंड की वजह से विलुप्त हो जाते हैं। साथ ही धरती पर उल्का पिंडों का बरसात होना शुरू हो जाता है, इसलिए गॉडजिला जो कि एक परमियन पीरियड का रेप्टाइल था, वो समुन्द्र के काफी गहराइयों में चला जाता है और समुद्री प्लांट्स खाकर तथा जियोथर्मल एनर्जी से गर्मी पाकर खुद को जिंदा रखता है। लेकिन साल 1945 में जब जापान में न्यूक्लियर धमाका होता है, तो हाइबरनेशन में जी रहे इस पुरानी जीव की नींद खुल जाती है और आसपास फैली रेडिएशन को सोख कर ये काफी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी की ताकत धरती के ही पौराणिक जीव में इतनी शक्तियां भर देता है जिसके समक्ष दूसरे दुनिया से आया मॉन्स्टर किंग गिद्दोरा भी नहीं जीत पाता। बात करें दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो टाइटन टीवी मैन लगभग 250 फीट विशाल टाइटन है, जिसे पहली बार एपिसोड 41 में दिखाया गया था, जिसमें ये रेड लाइट छोड़कर स्किबिडी टॉयलेट को नष्ट कर देता है। फिर एपिसोड 44 में अपग्रेड होकर टाइटन सिनेमा मैन में बदल जाता है, जो रेड लाइट हिप्नोसिस के साथ सोनिक बूम तथा सोनिक वेब भी छोड़ने लगा। एपिसोड 45 में टाइटन स्पीकर मैन से लड़ाई करी तथा एपिसोड 47 में जी मैन को मारने के दौरान खुद पूरी तरह से घायल हो जाता है। फिर अपग्रेड होने के बाद इसे हाल ही में एपिसोड 67 में देखा गया, जिसमें ये सबसे शक्तिशाली टॉयलेट साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट को मारता है
एक और जहां साइंटिस्ट की बीड़ी टॉयलेट पर दूसरे कोई हथियार काम नहीं आते, वहीं टीवी मैन की नियोन तलवार तथा इसके कोर से निकलने वाली पर्पल एनर्जी साइंटिस्ट की बीड़ी टॉयलेट के लिए जानलेवा साबित होती है। अब बात करें गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ये टाइटन टीवी मैन से भी काफी विशाल, लगभग 400 फीट विशाल काइजू है, जो अपने सिग्नेचर अटैक एटॉमिक ब्रीथ के लिए जाना जाता है। और इसके बीम की पोटेंशियल टाइटन टीवी मैन के आर्क एनर्जी के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है, जिसका प्रूफ आपने गॉडजिला मूवी में देख ही लिया होगा। अपने एटॉमिक ब्रीथ के दम पर ही गॉडजिला ने म्यूटो का पल भर में काम तमाम कर दिया। जब होलो अर्थ की एनर्जी से छेड़छाड़ होने लगी, तब ये गुस्से में आकर धरती पर इतनी जोरों से अपनी परमाणु श्वास छोड़ता है जिससे होलो अर्थ का रास्ता बन जाता है। और अब तो इसकी एटॉमिक ब्रीथ होलो अर्थ में मौजूद मैंजेटा रंग की एनर्जी को सोखने पर बनी है, जो बेहद ही घातक हो सकती है। अपने एटॉमिक ब्रीथ के अलावा भी गॉडजिला कई वजहों से खास बनता है, जैसे कि इससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कोई नहीं जीत सकता। यही वजह है कि किंग गिद्दोरा भी इससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के दौरान अपनी एक मुंडी गवा चुका था। फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ इसकी बाइट तथा टेल स्वाइप में ही इतनी ताकत होती है जो न सिर्फ सामान्य जीवों को बल्कि ये कई मॉन्स्टर को ढेर कर सकता है। इसके पूंछ से लेकर गर्दन तक उभे हुए डॉर्सल में यू तो एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन ये डॉर्सल भी किसी चट्टान से कम मजबूत नहीं होते हैं। इसकी पूरी त्वचा इतनी सख्त होती है जिसे धारदार हथियारों से भी चोट नहीं पहुंचाया जा सकता। यहां तक कि इसकी खुद की एटॉमिक बीम भी इसकी त्वचा को फाड़ नहीं सकती। यही वजह है कि किंग गिद्दोरा की ग्रेविटी बीम ने भी इसे नहीं मार पाया। ड्यूरेबल होने के साथ साथ इसमें कमाल की इंटेलिजेंस पाई जाती है। यही वजह है कि गिद्दोरा के खिलाफ इसने पानी में रहकर लड़ना चुना, कॉन्ग से भी दोस्ती करी तथा जिस मेका गॉडजिला के निर्माण के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी नहीं था उसे नष्ट करने वो वहां पहुंच गया। इसकी बैटल आईक्यू भी कमाल की होती है, क्योंकि इसे पता होता है कि कहां और कब अपनी स्टोर्ड न्यूक्लियर बीम को छोड़ा जाए, और यदि इसे एनर्जी का भंडार मिल जाए तब तो इसके एक नए ही अवतार को आप देखेंगे जिसे बर्निंग गॉडजिला कहा जाता है, जिसे जीतना तो दूर इसके सामने आने की भी साहस कोई नहीं कर सकता। वहीं बात रही टाइटन टीवी मैन की ड्यूरेबिलिटी की, तो ये ड्यूरेबल तो है, पर गॉडजिला जितना ड्यूरेबल ये कहना बेवकूफी होगी। पर रही बात इंटेलिजेंस की, तो इसकी इंटेलिजेंस सुपर ह्यूमन लेवल की होती है। ये ना सिर्फ गॉडजिला से ही इंटेलिजेंस है, बल्कि ये मॉन्स्टर वर्स में मौजूद किसी भी काइजू से ज्यादा इंटेलिजेंट है। बैटल आईक्यू में भी इसका कोई जवाब नहीं। इसलिए अगर टाइटन टीवी मैन और गॉडजिला की आपस में लड़ाई होती है, तो टाइटन टीवी मैन की इंटेलिजेंस तथा इसका हिप्नोसिस बीम इसे गॉडजिला के खिलाफ कुछ देर खड़ा रहने में तो काफी मदद कर सकता है, पर ये गॉडजिला से जीत नहीं सकता, क्योंकि गॉडजिला से जीतने के लिए इसे खुद पर कई अपग्रेडेशन लाने होंगे। उसके बावजूद भी इस बात की पॉसिबिलिटी काफी कम बनती है कि ये गॉडजिला से जीत सके, क्योंकि गॉडजिला की एक एटॉमिक ब्रीथ ही काफी है टीवी मैन की बत्ती को हमेशा के लिए बुझाने के लिए। यानी साफ शब्दों में कहा जाए कि गॉडजिला से टीवी मैन कभी भी जीत नहीं सकता। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।